Hi viewers, I am Hansal Shah और मैं अनुमान तारिक। Today we are going to teach you about nephron। आज हम आपको बताएंगे nephrons के बारे में। So student, let's start our topic। आज अपने topic को start करते हैं। Our question is what is nephron? और आज का हमारा सवाल ये है nephrons क्या है? A nephron is the basic structural and functional unit of the kidney। Kidney contain about 1 to 2 million functional units called nephrons। And a smaller number of collecting ducts you can see in the diagram. Each nephron in the kidney is 30 to 55 millimeter long. That is approximate 1.2 to 2.2 inches. It regulates water and soluble substances in the blood by filtering the blood, reabsorbing what is needed and excreting the rest as urine. नेफ्रॉन गुर्दे की बेसिक छक्कर है और फंक्शन के लिहाज से एक यूनिट है। गुर्दे में मौजूद जो नेफ्रॉन्स की तादाद है 10 से 20 लाख पाई जाती है और कम तादाद में कलेक्टिव डट्स पाए जाते हैं। गुर्दे में मौजूद हर एक नेफ्रॉन की जो लंबाई है 30 से 55 मिलीमीटर लंबी है और जो तकरीबन बनती है 1.2 से 2.2 इंच बनती है। नेफ्रॉन का ये काम है खून को फिल्टर करना और सोलेबल सब्सटेंस और पानी की मिकदार को बराबर करना है और जो चीजें जरूरत की होती है उन्हें रीअब्जर्व करते हैं और जो जरूरत की चीजें नहीं होती उन्हें पेशाब की शक्ल में खारिज कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड इज सीक्रेशन एंड द फोर्थ इज एक्सक्रीशन। अब हम आपको बताते हैं नेफ्रॉन्स के फंक्शन। जो पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन है, दूसरा फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन है, तीसरा फंक्शन सीक्रिएशन है, चौथा फंक्शन एक्सक्रिएशन है। Now I am going to tell you about the structure of nephron, the segment of nephron and their function in detail. The first segment is efferent arteriole and efferent arteriole. You can see in the diagram this part we call efferent arteriole and this part we call efferent arteriole. Efferent arteriole brings blood to the glomerulus. This segment we call glomerulus. Efferent arteriole brings blood to the glomerulus. Efferent arteriole carry blood away from the glomerulus. आइए अपने टॉपिक को डिटेल में जानते हैं इनके सेगमेंट, इसके स्ट्रक्चर और इसके तमाम फंक्शन के बारे में। जो हमारा पहला सेगमेंट है efferent arteriole। Efferent arteriole का ये काम है कि ब्लड को लेके आता है glomerulus में से। Efferent arteriole का ये काम है कि ब्लड को आगे लेके जाता है glomerulus में से। This segment of nephron called glomerulus. The glomerulus is a network of blood capillaries where waste products are filtered from the blood. Next segment glomerulus. जैसे कि आप structure में देख सकते हैं thread like जो shape है इसे glomerulus कहते हैं। Glomerulus है network of blood capillaries का और इसका ये main role है कि ये filter करता है waste product को खून में से। This segment of nephron, you can see in the diagram, the cup-like shape we call Bowman's capsule. Surrounded the glomerular capillary loops and participate in the filtration of blood from the glomerular capillaries. Next segment, Bowman's capsule. जैसे कि आप structure में देख सकते हैं Bowman capsule ये जो cup-like shape है इसे Bowman capsule कहते हैं। इसने सराउंड किया है ग्लोमेरुलस कैपिलरी को और इसका ये रोल है कि ये पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। दिस सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस ट्यूब वी कॉल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द फंक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इज एसेंशियली रीअब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट अकॉर्डिंग विद द नीड्स ऑफ हेमोस्टेसिस। नेक्स्ट सेगमेंट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका ये मेन रोल है कि अपना अहम किरदार अदा करता है रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। दिस डिसेंडिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कॉल्ड डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैनन। द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द लूप ऑफ हैनन इज एक्सट्रीमली परमीएबल टू वाटर एंड लेस परमीएबल टू आयंस। नेक्स्ट सेगमेंट डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैनन। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैनन का ये रोल है कि जो पानी की मिकदार है उसे ज्यादा जज़ब करता है और जो हमारे आयंस हैं उनको कम जज़ब करता है।
दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेलर. यू कैन सी दिस सेगमेंट वी कॉल थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेलर. द असेंडिंग लिंब इज परमीएबल टू सोडियम क्लोराइड which passes out from the tubule into the medullary tissue surrounding it. Next segment, thick ascending lip of loop of Hanel. जैसे कि आप इस structure में देख सकते हैं, thick ascending lip of loop of Hanel का ये role है कि जो sodium chloride को वो dissolve करता है और pass out करता है इस tubule में से. और ये tubule है, ये medullary tissue से cover किए हुए हैं. Now I am going to tell you very important part of nephron. The last two segment of nephron is this tube we call distal convoluted tubule and this duct we call collecting duct. The distal convoluted tubule and collecting duct are the final two segment of the kidney nephron. They have an important role in the absorption of many ions and in water reabsorption. आखिरी और दो इम्पोर्टेंट सेगमेंट नेफ्रॉन्स के, जो नेफ्रॉन्स के आखिरी दो सेगमेंट है उनका ये रोल है डिस्टल कॉम्युलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स का, कि बहुत से आयंस को अब्सॉर्ब करता है और पानी की मात्रा को भी अब्सॉर्ब करता है. सो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हम आपको नेफ्रॉन्स के फंक्शन, उनके सेगमेंट और तमाम उसका स्ट्रक्चर बता सकें. अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना. और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बना सकें. कीप सपोर्टिंग अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच. शुक्रिया.